वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज के इस विशेष प्रोग्राम के जिहड़ी मैं जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा, यह जानकारी वैरी वैरी इंपोर्टेंट आ। तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा भी इस प्रोग्राम नू शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखना, तो होरना संगतां नाल भी वध तों वध शेयर जरूर करना है। संगत जी, जानकारी इस संबंध में आ भी देखो, हुण साढ़े सारिया दे मन की भावना होंदी है, श्रद्धा होंदी भी जदों भी असी गुरद्वारा साहब जाते हाँ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नू नतमस्तक होंदे आ। तो बहुत सारिया सिख संगत ऐसा हैं जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख हो के चौ साहब की सेवा कर दिया हन जां करन दियां चाहवान होंदियां हन। पर एक गल कदी तुसी गौर करो, कदी तुसी ख्याल करो, अक्सर हुंदा की आ भी जो दीवान सजिया हुंदा ना गुरद्वारा साहब विच, कीर्तन चल रहा है जां कथा चल रही आ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबिया ते एक सिंह जिहड़ा है ऑलरेडी चौर साहब करन वास्ते बैठा होया। हो सकता भी वह ग्रंथी सिंह होवे जां फिर उस संगत विचों कोई सिंह होवे। ते उस वक्त कई बार ऐसा हुंदा भी साढ़े विचों ही असी संगत के रूप में उत्थे महाराज जी के चरणों में जाते हैं। हुण सिंह ऑलरेडी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया ते बैठा है, हजूरी च बैठा है चौर साहब की सेवा करन वास्ते। पर मेरे वर्गा कोई ऐसा हुंदा भी जेड़ा उस वक्त चौर साहब अपने हत्थां च लैके उस सिंह के पिछे खड़ के वह चौर साहब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के उपर करन की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा ही गुरुद्वारा सेवाना दे विच हो रहा है। पर इत्थे मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी ये असी गलत कर रहे हाँ, ये असी ठीक नहीं कर रहे। संगत जी, इस गल नूं ख्याल च रखो भी जदों ऑलरेडी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया ते सिंह कोई बैठा होवे ते उहदी बकायदा ड्यूटी यही हुंदी आ, सेवा यही हुंदी भी उन्हें चौर साहब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख करना है। फिर उस सिंह दे बैठण दे नाल नाल जे असी वक्रे तौर दे उते चौर साहब लैके महाराज जी नूं करन दी कोशिश करांगे ते तुसी अक्सर ही कदी ख्याल करो भी वह जिहड़ा वक्रे तौर ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं चौर साहब करन दी कोशिश कर रहा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे उपर तां चौर साहब हो ही नहीं रहा हुंदा, बल्कि कोई जिहड़ा है जिहड़ा वक्रे तौर ते चौर साहब कर रहा हुंदा वह जिहड़ा ताबिया ते बैठा सिंह आ ना, चाहे कोई कथाकार होवे, चाहे कोई ग्रंथी सिंह होवे, आम संगत जो कोई सिंह होवे, वह तो चौर साहब उहदे उपर ही फेरी जा रहा हुंदा। एक गलत गल आ, एक गलत रीत असी तोरी हुई आ। हाँ, जेकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच कोई नहीं सिंह बैठा होया, ग्रंथी सिंह जां कोई कथाकार जां कोई भी संगत विचों कोई सेवादार नहीं बैठा, हाँ उस वक्त जिहड़ा है कोई भी संगत विचों कोई सज्जन जिहड़ा है वह खड़े हो के महाराज जी के सन्मुख जां बैठ के सेवा कर सकदा है चौर साहब की। पर जेकर असी यह गल सोचते हाँ भी एक सिंह ऑलरेडी बैठा है उहदे मगर, हुण कई बार तो इदां भी हुंदा है कई बार कोई कथाकार कथावाचक वह कथा कर रहा हुंदा महाराज की हजूरी च बैठ के शब्द विचार कर रहा हुंदा, कोई बीबी भैन जां कोई मेरे वर्गा ही कोई प्राणी आ के वह चौर साहब करके चौर साहब करन लग पैंदा, चौर साहब अपने हत्थां च फड़ के। तो उस वक्त वह चौर साहब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे उपर नहीं हो रहा हुंदा, बल्कि वह जिहड़ा कथा करन वाला कथाकार आ उहदे पिछे वह चौर साहब कर रहा हुंदा। एक गलत जिहड़ा है परंपरा जां रीत कह लो भी असी तोरी हुई आ। इदां चौर साहब जिहड़ा है वह नहीं करना चाहीदा, चौर साहब की सेवा उस वक्त ही करनी चाहीदी है हर किसी नूं जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की ताबिया कोई ना बैठा होवे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में बैठण का मतलब ही यह है भी उत्थे उसने बैठ के चौर साहब महाराज जी नूं करना है। आम करके तुसी देखो श्री दरबार साहब, श्री दरबार साहब दे विच जदों मान जो ग्रंथी सेवान महाराज की हजूरी च बैठे होंदे आ चौर साहब की सेवा उही निभाउंदे आ, आम संगत नूं उत्थे इजाजत नहीं आ भी वह चौर साहब लै के तो चौर साहब करे। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे वास्ते चौर साहब करन दी सेवा उस व्यक्ति दी हुंदी आ जिहड़ा ताबिया ते होवे, जिहड़ा हजूरी विच होवे, ना कि उस तो इलावा वक्रे तौर दे उत्ते संगत आ के जदों अपने हत्थां विच फड़ के चौर साहब करन दी सेवा करदियां हन
मैं समझदा भी वो उस वक्त गलत वो जिहड़ा है वो कर्म निभा रही होंदिया हन। इदां ना नहीं करना चाहिए तो ना करिया करो। हाँ जे वाकई ही तुहाडे मना विच शौक है चोर साहब की सेवा करन दा ते तुसी जिहड़ा ताबिया बैठिया सिंह है उन्होंने बेनती करो भी भाई तुसी कुछ समय वास्ते तुसी संगत विच बैठ जाओ ते असी चौर साहब की सेवा नभाउणा चाहुंदे आ ते असी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी बैठ के असी चौर साहब की सेवा करांगे। जदों एक सज्जन एक व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी बैठा होवे दूसरा बंदा चौर साहब पकड़ के वह सेवा उस वक्त नहीं कर सकता क्योंकि कई बार तो कई तो दस्तार के उपर भी चौर साहब मारी जाएंगे। एक मैं ऐसा ही एक जगह देखिया भी एक कथाकार कथावाचक कथाकार है तो एक बीबी आई वो चौर साहब उन्हें हाथ में पड़िया तो वह पिछे खड़ के चौर साहब कर लग पी। वो चौर साहब करती करती उन्हें जिहड़ा कथाकार कथा करने वाला सी उहदी दस्तार दे उत्ते चौर साहब मार दिता। हालांकि उन्हें जिहड़ा है अपनी दस्तार नूं संभाल लिया कथावाचक ने, नहीं तो उहदी जिहड़ी दस्तार है वह संगत की हजूरी में आ जाती सी। सो इस वास्ते मैं बेनती कर रहा चौर साहब करन दा उही सही वक्त हुंदा है जदों महाराज दी ताबिया ते कोई ना बैठा होवे। हाँ जे कोई बैठा तुहानू शौक आ चौर साहब करन दा फिर तुसी उहनू बेनती करके नू उठा दो ते आप चौर साहब की सेवा निभा। तो संगत जी मैं उम्मीद करदा वी तुहानू अज दे प्रोग्राम विच दित्ती हुई जानकारी जरूर समझ में आ गई होवेगी। इस प्रोग्राम नूं वध तों वध संगत नाल जरूर शेयर करो। सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।